भी शूटर नहीं जाना के सीधा ही नमाज की जगह नमाज जनाजा हो रहा जब बंदा भागने हाथ ही है हाथों से क्यों नहीं चलाता यार इतने काम ना करो तो मुझे सुकून ही नहीं आता अगर मैं ऐसी सीधी गाड़ी चलाता रहता तो वाकई भी चला लेते हैं हम अंदर सैरी करने गए तो पता लगा हमारे दोस्त यार बाहर खड़े हैं चेक करें आप लोग इन्होंने यहाँ पे इसलिए ताकि मैं भाग ना जाऊँ लॉन्ग टाइम हुए 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 क्या स्मूथ साउंड निकला लेकिन अभी बाल ड्राई ड्रूर करने गिले शिले हैं खुद खुद भी कर लिए मैं कह किया फदरा करा करूँ अगर आएंगे तो मेहनत करें खुद पे और ये पीछे से आप लोग चेक कर लें ये अभी थोड़ा सा रफ स्टाइल में रखा हुआ है अभी जाके घर जाकर ड्राई ड्रूर मार के फिर फिट करेंगे इसको ऑलमोस्ट बहुत 2 वीक्स से शायद ज़्यादा हो गया मैंने गाड़ियाँ नहीं निकाली गाड़ियाँ निकालने का रीज़न भी यह है कि रमज़ान है तो मैं कुछ ऐसा वैसा कर नहीं रहा ना सॉन्ग प्ले कर ही नहीं रहा तकरीबन टिकटॉक शिकटॉक हल्की फुल्की चला ली बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा मैं किसी ने कटिंग शूटिंग आप लोगों ने मेरी देख ली भाई की ठीक है अभी थोड़ा बुरा लग रहा हूँ बकरा शकरा लग रहा हूँ कटिंग भी 3-4 दिनों बाद में जाकर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ बकरा वगैरह लग रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं इग्नोर करना भी आप लोगों ने ईद तक ये सेटमेंट हो जाएंगे आज वैसे मौसम बोल आ जाओ मौसम लाहौर का ना फिलहाल बड़ा जेंगो शेंगो हुआ है ईद आ रही है ईद के लिए मैं गाड़ी तैयार करानी है होंडा सिटी से वादा किया हुआ था कि तैयार करूँगा लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे काफ़ी देर से मैं निकल भी नहीं रहा था थोड़ा अपसेट वगैरह बैठा हुआ था घर में लेकिन कोई बात नहीं जिंदगी जीने का टाइम आ गया अभी मैं पापा के साथ जा रहा हूँ पापा को मैंने कहा गाड़ी पर चलने कहते हैं नहीं GPO वगैरह में कहीं पर एहतजाज हो रहा है तो गाड़ी फंस जाएगी तो बाइक पर चलते हैं और मैंने पापा जी को मेरी दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी भी नहीं पसंद ना वो उसमें बैठना पसंद करते हैं और ना वो बैठते हैं कहीं जाना भी होता है ऑटो सिटी तो अपनी ले आते हैं या तो फिर मुझे अपने किसी दोस्त की लेनी पड़ती है मेरी गाड़ी में नहीं जाते पापा साहब मैं बाइक पर जा रहा हूँ GPO काम है मुझे वहाँ से होकर आगे समय मैंने करवानी है उमर को उसकी वैक्सीनेशन होगी उसके बाद हमें जाना है इसका टायर लेके आना है कल सुबह सुबह गाड़ी शोरूम छोड़ेंगे 3 दिन लगेंगे शोरूम में इंशाल्लाह गाड़ी 10x10 होके वापस आ जाएगी ईद के लिए एक गाड़ी तो रेडी होगी बात आते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ RX-8 तो उसका एक टायर फटा हुआ है आप लोगों को शायद ब्लॉग में देखा होगा बात पक्की अला ब्लॉग टायर इसका मिल लेना है इसका इंजन डलवाना है और गाड़ी बाकी वो भी ओके है संडे को हम RX-8 का शूट भी करेंगे बहुत हैवी किस्म का अगर तब तक गाड़ी रेडी हो गई तो ये देखो ये भी खरीद को भी दंगा लग जाना अच्छा मैंने इस दफ़ा इसको ये भी बनवा लेने हैं ये चीज़ें ये टूटी हुई है ना उस साइड के भी नीचे तोड़ दी थी ब्लॉग देख रहे होगा ना चीज़ का मुझे मशवरा लाजमी देना कि RX-8 में ये चीज़ें बनवाऊँ कि ना बनवाऊँ जो नीचे मेरी वोल्टेज की ट्रे वगैरह लगी हुई थी इसके नीचे तो बड़ी प्यारी लगती है इसके नीचे लाजमी बनवानी है इसके नीचे बनवानी है डिज़ाइन थोड़ा चेंज होगा किसी को पता है तो मैंने इंस्टाग्राम में DM वगैरह कर दिया करे मैं उस हिसाब से बना लूँगा कैसे नीचे ट्रे वगैरह लगी हो कांटे लगे हो क्या लगा हो नहीं नहीं उतर गए थे आ गया था जी आपका भाई घर अब आपका भी जा रहा है 10:70 पे 5:15 हो रहे हैं 6:20 या 22 मिनट में अफ्तारी हो जाती है लाहौर में तो अब जस्ती जाना है टायर लेके आना अगर टायर मिलता है तो वरना फिर मजबूरी है टायर के बगैर कल शोरूम छोड़ के आनी पड़ेगी हमें कोई बात नहीं ये वाला लोग शायद मैं आज लगा लूँगा कल से बनाना डेली स्टार्ट करते हैं बहुत हमें उजरे चमन बन गए अब आप भाई को सपोर्ट करना ठीक है कमेंट वगैरह में बाद में सपोर्ट करना ठीक है फिर बता रहा हूँ सिटी की वीडियो बनी थी ना पहले ड्रिफ्टिंग की बर्नआउट की ऐसे ऐसी ही हमारे सिटी में लेवल किस्म की क्लास किस्म की यार आप लोगों को मज़ा आ जाएगा जैसे वो नीड फॉर स्पीड नहीं होती एक नीड फॉर स्पीड फ्लान धमकाना कालिया ने रहता रहता इंच अंधेरा नेरे च गड्डी तो गड्डी यार तेरा आए हाय हाय ऐसे ही आपका भाई ने बना लेना एंड कर देना मुमकिन है कोशिश कर लिया लेकिन टायर नहीं मिला तो अभी है कल ऐसे शोरूम छोड़ देंगे 3 दिन बाद आएगी 3 दिन बाद टायर ढूंढ लेंगे फिर गाड़ी का तब हफ्ते से पहले पहले रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह सारे नहीं आओगे जो आएगा वो अफ्तारी रही है घर आए हैं लेकिन अब हमारा ये काम है हमने अफ्तारी के बाद ना गाड़ी को बाहर निकालना ये जो कल्टस खड़ी है अली भाई इसको भी बाहर निकाल देना धक्के दे के अपनी गाड़ी निकालनी है लास्ट शूट करनी है और यार खुदा के लिए मेरे घर से कपड़ा टाते हो अभी लड़के आए थे उन्होंने कपड़ा टाया सही तरह कपड़ा भी नहीं दिया वापस उन्होंने बस ऐसे ही हाथ फेंका नीचे कपड़ा और आ गए इधर कपड़ा तो कम से कम दिया करो टायर नहीं मिला यार किसी के पास पड़ा हुआ 205/40/17 तो यार मुझे लाजमी बताए यूज़ में पड़ा हो ठीक है नया नहीं चाहिए नया डलवाना आता था मेरी गाड़ी के 3 टायर अभी नए हैं बस एक गलती से फट गया था तो उसका मैं हट जाना भुगत रहा हूँ अगर आगे मेरे पास पड़ा हो तो भाई को देते रहो पैसे ले लेना ठीक है या इनबॉक्स इंस्टाग्राम में मुझे लाजमी बताना ठीक है जिसके पास भी पड़ा हो एक हो या दो हो चलेगा ये देखो आधा कपड़ा वहाँ से हटाया हुआ इन थोड़े से बैड हो गए लाइक मैं सोच रहा कि रात का वक्त है मौसम इतना अच्छा बादल गरज रहे हैं और फुल हवाएं शवाएं चल रही हैं तो आपको भाई सिटी निकालेगा वैसे तो निकालनी RX-8 जितने के उसका टायर फटा हुआ टायर हमें मिला ना सिटी का मिला ना RX-8 का मिला तो फिर मजबूरी थी मैं अगर सिटी चला के थोड़ा राउंड शाउंड मार के लेकिन मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी गाड़ी वो आप लोग चेक करें वो ऊपर अगर आपको हल्का सा नज़र आ रहा हो
वो खड़ी है एंड वो गए मैं जोहर टर्न अली भाई मारे अली भाई कह रहे हैं मुझे एक घंटा लग जाएगा। मैं चलो फिर हम जिम करके आ जाते हैं, जिम करके आते हैं सारी हम गाड़ी पे करने चले जाते हैं, साथ शेक वगैरह पियेंगे। मैं तो मेरे ख्याल से आ ही जाएंगे। बाकी यार हफ्ते तक का टाइम है, वीडियो शूट करने से पहले दोनों गाड़ियाँ रेडी करनी है, जो कि बहुत 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 औखा काम है, बहुत ज़्यादा औखा काम। क्योंकि एक बात मैं आपको बताया, एक गाड़ी को टाइम दिया जा सकता है, दोनों को इकट्ठे नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमने फिर भी देना है। एक गाड़ी का जब टायर लेने जाएंगे तो कोशिश करें दूसरे का भी नहीं ना। आर सीट का काम थोड़ा लंबा है, मैं आर सीट को ना 0 to 0 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक उसकी पाइपिंग सारी नहीं डलवाऊँ एक दफ़ा। 30-40 हज़ार की पाइपिंग है, लेकिन फिर सोचते हैं यार जाए कर बेच दिए गाड़ी वैसे तो। फिर कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है, मौसम बहुत लाजवाब किस्म में होगा। और वालों मिलते हैं, अभी आता हूँ आप जिम से। आने के बाद जिम से अब मैं पता नहीं कितने चला गया यार, जिम में भी नहीं है, जिम के बाहर भी नहीं है। तिल मारे ये नहीं आए और हम यहाँ पे खड़े, लेकिन तो ये हम कपड़ा डाले तो उन्होंने भाई कह दिया कि 15 मिनट में वो पहुँच रहे हैं, 15 मिनट में हम जाके सैरी करके आएंगे सिर्फ गाड़ी पे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई, कल जाके शोरूम में ये खड़ी हो जाएगी। मैं क्या करूँगा पीछे से, कुछ भी नहीं कर सकता। हाय 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 जी, एक एयर टायर आएगा, टायर मिल जाना मुझे, टेंशन कम हो जाए। ये तो टेंशन है दुनिया में, टायर ही नहीं मिलता कहीं से। टायर ही तो टायर हो, ये जो खा रहा होता है ना हरकतें धुआं वाली, तब सोचा था टायर नहीं मिलना मुझे, बाद में क्यों खा रहा। कल जब पेंट हो जाएगी ना उसके बाद सही लगेगी, कल नहीं होगी खैर 3 दिन लग जाने। इतनी देर बाद स्टार्ट किया, अल्लाह की कसम मुझे पेट्रोल ही नहीं है। सही है क्या ये चीज़, इसको भी आगे मैंने प्लेटें नहीं बनवानी है इसकी, और ये लाइट भी मैंने वाइट करा देनी है, वाइट ज़्यादा अच्छी लगती है। देखा ज़्यादा काम नहीं है, छोटा मोटा काम ही है, हो जाएगा। तो जी आप हाजिर हैं अली भाई, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हुए हुए हुए, क्या स्मूथ साउंड निकला। कोल्ड स्टार्ट है, अभी नहीं कर सकते कुछ, देख रहे हो कितनी गंदी है। भाई को थोड़ा सा टाइम देना, मैंने ऐसे लशक करना है, ऐसे लशक डाल चलते हैं। आप लोगों ने कहना यार क्या गाड़ी जा रही है यार, चेक करना पता ना, जब मैं कहता हूँ तब होता है, इस दफा भी होगा, लाजमी होगा। अरे ईद का प्लान बिग है, वो प्लान मैं आपको बताऊंगा। आर एस एट की आवाज सुन ली है ना कैसी है, ये भी आप लोग भाई आपको भी चेंज कर देगा इनशाला। इनशाला नहीं बताना ना यार, जब मैं बताता हूँ ना तब मेरा काम नहीं होता, जब मेरे पैसे नहीं होते वो पैसे से मुकर जाता है, जैसे कोई काम होता है कोई भी मेरी काम मिलते हुए, इसे मैं पहले नहीं बताऊंगा, मैं करके बताया करूंगा। यही अपने यहीं पर बजा दिया, सैरी मारी यहीं भी हो जाने, लेकिन शेक भी पीना है और सैरी भी करनी है, कुछ ऐसा निजाम है आला करना है। रस्तों में थे तो हादी साहब जी कहते गया हमें, मुझे भी जाना है ये वो लेके जाओ ये वो, उसकी फिल्म सारे हमको तुझे नहीं लेके जा सकते, ये वो ऐसे करके हम निकल गए हैं। अब ज्यादा रोला डालेगा तो ठीक है, जगह पे खड़े उसको पिक कर लेंगे। हम अंदर सैरी करने गए तो पता लगा हमारे दोस्त यार बाहर खड़े हैं, चेक करें आप लोग, इन्होंने यहाँ पे इसलिए ताकि मैं भाग ना जाऊँ, गाड़ी लेके गाड़ी के शीशे भी काले हैं और आप लोगों बाकी चीज़ें उसका पता है। लेकिन अपन वही पुलिस वाला डाला भी खड़ा है वो देखो, लेकिन हमने कौन सा जाना है। हाँ हम जा रहे हैं यार, गाड़ी सैरी का टाइम हो गया, सैरी कर लिया, टाइम हो गया, आज का टाइम हो गया, बस हमने उधर जाने का चीज़ है। शाह जी व्हाट इज दैट, यार ये क्या निकल गया गाड़ी का, कुछ इसका भी तो लटक रहा है ना, ये सारा ना वेल्ड वुल्ड होना, और भी बात नहीं, शूटर मेल कर देना, शूटर मेल फुल। नमाज की जगह नमाज जनाजा हो रहा, नहीं अल्लाह ख्याल करे। पच्चीस लाख का हो गया यार, ये सबसे मेरा दुख ये है मुझे, ये कैसे हो गया। कोई नहीं,
यार दुनिया में उल्टे काम ना करो तो मुझे सुकून ही नहीं आता। उल्टे काम करके तो मैं यहाँ पहुंचा यूपी से। हाँ अगर मैं ऐसी सीधी गाड़ी चलाता रहता तो वाकई भी चला देते हैं। सोच अब जिनके गोटे छोटे हो वो पहले देखे वैसे ना स्वीट होम सारी सूरी हमने कभी रास्ते में बंद भी कर ली यकीनन क्योंकि पानी मिला नहीं हमें रास्ते में क्या करते हैं हम। तो अब ये सीन है कि अब जब जिस टाइम आप लोग शायद मैं ये व्लॉग देख रहे हो तो उस टाइम पे शायद मैं शोरूम से घर आ रहा हूँ और बैंक में पैसे रखवा रहा हूँ तो या इन दोनों को ये काम कर रहा हूँ कल ही हमारे स्टेट इनशाला बड़ा कहने मैं पहले नहीं बता रहा कल का व्लॉग है कल के दिन अगले दिन आप वेट करना भाई कैसे सपोर्ट करते रहना बस बस।